शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें देखिए। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट पेश करते हैं आज की खबरें। बहादुरगढ़ शहर में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बुधवार को गणपति धाम के चेयरमैन अशोक गुप्ता ने पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। जमाबंदी दो बिना किसी कारण। सुनो सुनो, जमाबंदी नोट टाइटल। मैं मेरे नाम की रजिस्ट्री होगी तभी तो जमाबंदी को चढ़ेगा। उसकी वाइफ ने, ये इन्हीं में है, उसकी वाइफ ने मोटेशन अपने नाम चढ़वा लिया, क्योंकि जिसने रजिस्ट्री करवाई थी उसका मोटेशन नहीं चढ़ा था। मोटेशन भी बेचने वाला ही चढ़वाता है। डेथ होने के बाद उसकी वाइफ ने मोटेशन चढ़वा लिया अपने नाम और दावा कर दिया कि यदि मोटेशन मेरे नाम है, जमीन मेरे को दिलवाओ। हाई कोर्ट ने ये कहा है मोटेशन इज नॉट ए ओनरशिप, आपके फादर ने बेच दी, इट इज योर ड्यूटी यू ट्रांसफर द मोटेशन। रजिस्ट्री जब आपके हस्बैंड ने की है तो रजिस्ट्रेशन इज द टाइटल ऑफ द लैंड, मोटेशन इज नो वैल्यू। मोटेशन तो अभी तुम्हारे नाम खड़ा है। अब हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी में क्या हुआ, हरियाणा उत्तम चंद कन्हैया लाल ने जमीन बेच दी, 6000 गज जमीन थी, उसने 6000 गज जमीन बेच दी, हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी ने मोटेशन चढ़वा लिया, लगभग 1600 गज जमीन का मोटेशन नहीं हुआ, आज तक भी उत्तम चंद कन्हैया लाल के नाम है। अब वो क्या कह रहे हैं कि ये जमीन हमारी है मोटेशन के अनुसार, और कहाँ है, जहाँ हरियाणा एजुकेशन सोसाइटी उनकी जमीन में लिखा हुआ है कि उनकी जमीन के भी जमीन, इसमें भी दो आदमी आज मलकियत का क्लेम कर रहे हैं। फिर भी आज जो है उसको जगा दिया कि आपके नाम मोटेशन बोल रहा है। पहले सतपाल राठी ने जगा दिया, ऋषि पंडित ने जगा दिया, बोला दिया राया हमने तो बेच ब्याज दी थी, हमने लेनी हो तो मेरे नाम मोटेशन है, रजिस्ट्री करा लो, तो गड़बड़ हो जाएगी। आप हमला कर ले मेरा साथ देगा, मैं नहीं मान्या। तीसरी कंडीशन ये थी सनीमा बेच ले, कुंदन कोठी बेच ले, मैं नहीं मान्या। तो यह बोझ मारने वाली बात है और कुछ नहीं। आपने भी कोई कंडीशन रखी? मन्ने के कंडीशन रखी, मतलब बाणिया में हम तक हम सर आ जाए वो मर रहे या कंडीशन है भाई बात जा तू मेरे लग रहे हो कुंदन कोठी और कुंदन सिनेमा का झगड़ा जो है बड़ा सुर्खियों में है। तो इस विषय में मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि यह जमीन हमने जीत राम खुशी राम राय सिंह वगैरह 900 गज जमीन, ये जो कबाड़ी मार्केट में हमारी कुंदन कोठी की बैक वाला हिस्सा है, इसकी 27 फुट चौड़ाई है और लगभग 9 गज चौड़ाई है और लगभग 100 गज जो है इसकी बाजटिया मोहल्ले तक जो है इसकी लंबाई है। तो 900 गज जमीन हमने ये रजिस्ट्री सुधा खरीदी हुई है, इसकी कॉपी मैंने आपको दे दी। ये चेटवाड़ा 5 बिस्वे के आदमी हैं, इन्होंने हमें जमीन बेची है और इसके बाद जो जमीन रह गई किसी के पास रजिस्ट्री नहीं है। जितना के ये स्टैंडर्ड स्ट्रीट मांगे नंबरदार का ऑफिस और हमारे बहुत ही आदरणीय पत्रकार श्री प्रेम शर्मा जी का ऑफिस भी इसी जमीन में पड़ता है। अब वो पैसे लेकर रजिस्ट्री करा दें, उनके बालक आगे जाकर नाच जाए, तो इसका मतलब ये हुआ हमें बार बार खरीदनी। तो सावधान, हमने जमीन ली है जटवाड़े वालों से ली है, उसकी एक ये रजिस्ट्री दे दी। दूसरी ये इसका ये जमीन जो हमने खरीदी है ये है हमने जो ली है जो 2338/1
इसको कहते हैं पीडब्ल्यूडी की जमीन है। ये भीम सिंह फतेह सिंह से 1200 गज जमीन खरीदी है 7 फरवरी 1959 को। भीम सिंह फतेह सिंह कितने तारीख को? 7 फरवरी 1959 को, जिसकी रजिस्ट्री की कॉपी भी मैंने दे दी है। तो आया रिसेंटली ऑर्डर। अच्छा, इस संदर्भ में मैं ये बताना चाहूँगा, एक के 900 गज जमीन और 1200 गज जमीन, इस पर दुकानात बनी गई है। ये जमीन वही है जो विवादित जमीन है, जिस पर दुकानें बन रही है। उन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि ये सरकारी जमीन नहीं है। इसमें एक आर्डर नगर परिषद का उपमंडल अधिकारी को उसने अपनी रिपोर्ट दी है, ये निकाल लो। इस रिपोर्ट में क्लियर कट उन्होंने आखिरी पेज में कि मलकियत ये सरकार की मलकियत पांचों वसीदों के अगेंस्ट में जो भी नक्शे पास किए दुकानें बनी गई है वह सरकारी भूमि पर नहीं बनाई गई है। ये भी लिखा हुआ, ये सच है। रजिस्ट्री है जो 7 फरवरी 1959 को हमारे नाम में आई है। जब हमने 1960 में कुंदन कोठी का नक्शा पास करवाया तो उसकी ओरिजिनल रजिस्ट्री उस नक्शे के साथ लगा दी गई। उस टाइम में फोटोस्टेट नहीं होती थी, सर्टिफाइड कॉपियाँ निकाली जाती थी। तो हमने वो नक्शा वहाँ लगाने के बाद हमारे पास जो है, अब जब हमने ये दुकानें बना के बेची हैं, हमें उनका नंबर नहीं पता था। और ये जो 2335, 2331, 2336 और 2338 और 2300, ये जो नंबर है ये सारे एक ही चार दीवारी के अंदर है, बिल्कुल साथ लगते हुए हैं। ये इस रिपोर्ट में परवीन जी, इस रिपोर्ट में पढ़ो कि ये सारे नंबर साथ लगते हुए हैं। एक है PWDB&R, हाँ ये तो कर दिया, कर लिया। तो फिर और क्या रह गया इसमें? वो कह रहे नोटिफिकेशन नहीं है, जो एडीसी साहब से बात करनी है। मेरा काम है नोटिफिकेशन ढूंढ कर मैं ले आऊं। हाँ तो वो उन्होंने नोटिफिकेशन सरकार करती है, एडीसी को दिया था पूर्व विधायक ने। ऐसा है जी, नोटिफिकेशन जब तबादला हुआ भीम सिंह फतेह से हुआ है। नभे सिंह कहता वो तबादला ही नहीं कर सकता। आज नभे सिंह ने 8 एकड़ जमीन कौआ की घेर रखी है, वहां पर बजरपुर रोड ही क्रस्टर पड़ा है। धर्मवीर के फार्म हाउस तक गए, लिखो मेरे नाम से। नभे सिंह ने जो है वो जमीन राम कुमार पार्षद का कब्जा करा रखा है, उसकी डेथ होगी, अब उसके परिवार का कब्जा है। चार आगे उसकी जो है रिपोर्ट है, नभे सिंह जवाब दे। जमीन किसकी है? जमीन पर ना सामलात है, और वो जमीन बिक नहीं सकती। चारा का नभे सिंह जवाब दे। भादरगढ़ में प्रणाले का झोर बेच दिया, आज केस चल रहा है कोर्ट में। क्यों नभे सिंह ने केस करके आया? झोर को बेच के खाना तकता है। प्रणाले वाले 20 बार मेरे पास आ लिए, यदि हमारा मोटेशन चढ़वा दो। फाइनेंशियल कमिश्नर ने नभे सिंह के नाम जो तबादला हुआ था वो रिजेक्ट कर दिया। 44 एकड़ जमीन रातों रात भामू नॉर्दन ग्लास की बेच कर खा गया। अजय टोटाला को उसने पैसे दिए हैं। आज क्या हाल है वहां? इसने दुनिया भर की फैक्ट्री लगवा दी वहां। सरकार के मैंने आपको कॉपी दी हुई है, जमीन आज भी मलकियत इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की है। साथ तो बोला छालनी भी क्या बोला 372 गट्टे। ये लीगार्डन सारा पना सामलात में है, या सेक्टर 9 में सारी हुड्डा की जमीन पर कब्जा किया हुआ है। ले गार्डन तो उसकी अभी जो है उसमें जमाबंदी में नाम जो है पन्ना सामलात है। ये भ्रांति है कि 25 एकड़ जमीन का मुरब्बा जो है उसको दलबीर को दे दिया था। दलबीर से इसने धमका के ली है, ये कह के अगर भाई कमेटी में वेस्ट होगी है, ये जमीन तेरी नहीं है। जब इसने ले ली तो अब जो है साफ होगी। भ्रमित प्रचार है, इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सोच का पास पूरे इंडिया में कहीं भी एक जमीन सरकारी या गैर सरकारी में अगर कर्जा भाग जाए तो पंखे का लटका देना। हम नहीं करते, भगवान ने 2 एकड़ में गणपति धाम बना रखा है, नफे बना कर मंदिर आया जी। जमीन का विवाद है जी। नफे सिंह ने यह अभी 26 अप्रैल को आदरणीय पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में रिट लगाई थी,
हाई कोर्ट ने क्लियर कट ये कहा है हम डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं और आप भादोगढ़ सिविल कोर्ट में जाइए और आपका जो भी मैटर बनता है आप भादोगढ़ सिविल कोर्ट को बताइए, हम आपकी केस को नहीं सुनेंगे। और ये ज़मीन हमारी 7 फरवरी 1959 को रजिस्ट्री के द्वारा 5 पिछवे के जटवाड़े के राय सिंह, जीतराम, भीम सिंह, फतेह सिंह, चंदगी वगैरह से हमने जो है रजिस्ट्री के थ्रू खरीदी हुई है और 1960 में हमने नक्शा पास करवा के कुंदन कोटियर कुंदन सनीने का हमने निर्माण किया हुआ, हमारा आज भी कब्जा है, पहले भी हमारा कब्जा था और हर तरह से हम इसके मालिक और काबिज हैं। और कुंदन सनीने का लाइसेंस हमारे जिला उपायुक्त हर साल रिन्यू करते हैं, किसी भी तरह से इसमें कोई ज़मीन सरकारी नहीं है, ये मुख्यमंत्री जी ने भी जांच करवा ली है CID से और उसमें भी ये आया है कि कुंदन कोठी कुंदन सनीने की ज़मीन किसी भी तरह सरकारी जमीन नहीं। एक चीज़ बताएं सर कि बार बार में पूर्व विधायक नफे सिंह के द्वारा ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि खसरा नंबर दूसरा है और रजिस्ट्री दूसरे नंबर पर, ये 5 नंबर है, 5 हमारे हैं और 5 की ही मलकियत हमारी है, इसमें कोई ऐसा विवाद नहीं है कि खसरे नंबर किसी और के हैं और कब्जा हमारा है या सरकार के नंबर है या हमारा है। सरकार ने जब हमें ये लिख के दे दिया, PWD डिपार्टमेंट ने, नगर परिषद ने, तहसीलदार ने, SDM ने, जो सभी डिपार्टमेंटों ने लिख के दे दिया कि सरकारी ज़मीन नहीं है तो ये कोई बात नहीं रहती। नफे सिंह इस ज़मीन को ख़रीदना चाहता था, मेरे पास उसका जो है टेलीफोन भी आया था 5 दिसंबर को सुबह 7:30 बजे कि ये ज़मीन बेच लो, मैंने मना करने के बाद उसने मुझे धमकी भी दी है और उसका मैंने FIR भी कराई हुई है। तो नफे सिंह की नीयत ख़राब है, वो इस ज़मीन को हड़पना चाहता है लेकिन हम उसको ज़मीन देंगे। शहर हो या गांव, सभी खबरों पर होगी हमारी नजर। राजनीतिक, सांस्कृतिक, खेलकूद, क्राइम, सामाजिक, एजुकेशन, धार्मिक, सभी तरह की खबरें